हेलो स्टूडेंट्स, डेमोग्राफिक मैटर में एक नया एग्जांपल लेते हैं आज। तो इसमें बोला गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट सीबीआर, जीएफआर, एसएफआर एंड टीएफआर। सिटी पॉपुलेशन है 4 लाख। एज ग्रुप दिया गया है 15 to 19। उसकी में पॉपुलेशन है फीमेल्स की 16,000 और उनको नंबर ऑफ लाइव बर्थ हुए 400। इस तरह से पूरी डेटा दी गई हमको। फिर 20 to 24 में 15,000 फीमेल्स हैं, उनको लाइव बर्थ हुए 525। 25 to 29 में 14,000 है, उनको लाइव बर्थ हुए 420। तो इसके ऊपर से हमको जीएफआर ढूंढना है, जनरल फर्टिलिटी रेट। जनरल फर्टिलिटी रेट ये बताता है कि जो सिटी में या ये एज ग्रुप में वुमन्स हैं, कितनी वुमन्स को चाइल्ड हो सकता है। इसी तरह से स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट एसएफआर, तो पर्टिकुलर एक ही ग्रुप के लिए निकालेंगे। फिर टोटल फर्टिलिटी रेट निकालेंगे उसके बेस पे, एसएफआर के बेस पे। और सीबीआर, तो क्रूड बर्थ रेट, पूरे सिटी जिसकी पॉपुलेशन 4 लाख हो उसका क्रूड बर्थ रेट क्या होना चाहिए। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे हम निकालें जीएफआर, जनरल फर्टिलिटी रेट। तो जीएफआर की फॉर्मूला होती है नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ फीमेल्स, टोटल लेना ऑब्वियसली इनटू 1000। तो 2182 इनटू 1000 डिवाइड बाय करेंगे 90,000। तो 2184 को डिवाइड कर देंगे 90 से, तो आंसर मिलेगा 24.27। इसके बाद एसएफआर चाहिए, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, तो हर एक ग्रुप के लिए निकालना है। एसएफआर की फॉर्मूला है इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स ऑफ दैट ग्रुप इनटू 1000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ फीमेल्स इन दैट ग्रुप। दैट मीन्स 400 डिवाइड बाय 16,000 इनटू करेंगे 1000, तो सिंपली 400 डिवाइड बाय करेंगे 16, तो 25। फिर 525 जो करेंगे 15, तो 525 तो करें 15, 35। फिर 420 डिवाइड बाय 14 तो 30, ये भी आएगा 30। 276 डिवाइड बाय करेंगे 12,000, तो 24 36। फिर इसका आएगा 10 और इसका आएगा 7। तो ये मिल गया आपको हर एक ग्रुप का स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। फिर टीएफआर ढूंढना हो तो उसकी फॉर्मूला सिग्मा एसएफआर इनटू आई, इसका टोटल करेंगे 35 प्लस 25 प्लस 60 प्लस 40, इन सब का टोटल है 160। दैट मींस 160 इनटू आई, आई तो क्लास रेंज है, डिफरेंस तो वो है 5, तो ये आएगा 800 पर 1000 चाहिए, तो 800 डिवाइड बाय कर देंगे 1000, तो 0.5।
एक। इसके बाद सीबीआर चाहिए तो नंबर ऑफ लाइन वॉज डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इन 2000। तो नंबर ऑफ लाइन वॉज है 2184 इंटू 1000 डिवाइड बाय पॉपुलेशन हमको दी गई है 4 है। तो 2184 डिवाइड बाय सिंपली करेंगे 400 तो हमको मिल जाएगा 5.35 सीबी। इस तरह से ये हमको बताता है कि पर्टिकुलर जो एज ग्रुप में फीमेल्स हैं या पूरे सिटी में उनके चाइल्ड बियर करने की कैपेसिटी कितनी है। तो चारों फॉर्मूला से हम इस तरह से चारों चीजें ये ढूंढ सकते हैं।